हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटास। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तारीख है आज 20 अगस्त और देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, द लिबरली ऑफ इंडियाज फ्रीडम इज अंडर थ्रेट। कहने का मतलब है जो हमारा इंडिया फ्रीडम, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो पहनावा था वो खतरे में है। मतलब पहनावा क्या हुआ करता था, खादी, जो खादी वस्त्र वगैरह हुआ करता था, खादी क्लॉथ हम लोग पहना करते थे। आप देखते होंगे ना कुर्ता पायजामा वगैरह जो हुआ करता, तो खादी का बना हुआ करता था, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, ऐसा इनका क्यों कहना है। तो अब देखिए, खादी के कपड़े वगैरह लोग कम ही पहनते हैं तो, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि जो नेशनल फ्लैग हमारा हुआ करता था, राष्ट्रीय झंडा हुआ करता था, वो सब खादी के कपड़े के बना करते थे। तो एक तरीके से इसकी वजह से बड़े लेवल पे आपका क्या कहते हैं इसका फ्लैग बना करता था। तो पूरे देश में देखिए लोग खरीदते थे झंडे को, फिर उसके बाद लहराते थे, फहराते थे, ठीक है। तो द आर्टिकल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ खादी इन इंडियाज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मेमोरी। हमारे आपके किससे जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा है, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा है, हमारे कल्चर से जुड़ा है, और इट्स एम्फेसाइजिंग इट्स रोल इन द नेशनल मूवमेंट एंड इट्स सिंबोलिज्म। एक तरीके से देश का प्रतीक हुआ करता था, ठीक है, अपने देश का गौरव हुआ करता था, राष्ट्रीय आपके आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रहा है। और जो गवर्नमेंट का डिसीजन है टू अमेंड द फ्लैग कोड टू इंक्लूड मशीन मेड पॉलिस्टर फ्लैग एंड एक्सेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन खादी प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। यानी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब आप अक्सर देखते होंगे ना जो पॉलिस्टर फ्लैग आपका बनता है, पॉलिस्टर रेयन का बनता है, तो उससे अब बनने लगा, अब खादी के कपड़े से नहीं बनता। और इसको जीएसटी अमेंडमेंट करके जो फ्लैग कोड हुआ करता था, जीएसटी भी फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी डिक्लाइन हुआ है खादी का प्रोडक्शन, जो एक तरीके से खतरा है पूरी तरीके से खादी के प्रोडक्शन को और जो उनसे जुड़े हुए आपके एम्प्लॉयज, ठीक है। और इसी चीज को देखते हुए KKGSS मतलब कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ने क्या कर दिया है, इनडेफिनेट स्ट्राइक पे चली गई है सरकार के इस नियम के खिलाफ। और वो बोल रही है कि ये जो डिसीजन है हाईलाइट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द खादी इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इंडिया हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ पॉलिस्टर यार्न, जिससे आपका बनता है आपका फ्लैग फाइनली पॉलिस्टर से, तो उसको उसके रॉ मटेरियल को जो हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं चाइना से, बड़े लार्ज लेवल पे आपका इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत का जो भारत सरकार का जो सपना है, ऑब्जेक्टिव है कि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहेगा, हर चीज खुद ही करेगा, तो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हमारा खादी वगैरह को, खादी वगैरह से रिलेटेड चीजें बनाने से हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो हम खुद ही आत्मनिर्भर है, ठीक है। लेकिन हम देखिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर वाले चीजों पर भी सवाल उठाया जा रहा है। आर्टिकल पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट के डिस इंटरेस्ट इन द सपोर्टिंग इंडियाज हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन। पूरी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको सपोर्ट किया जाए। और देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको लागू करने से काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा है विश्वकर्मा योजना लागू किया गया, जिसमें देखा जाए जो आर्टिसंस वगैरह, कारीगर वगैरह हैं, इनके लिए काफी ज्यादा काम किया गया है उसमें, ठीक है, लोन वगैरह सर्विसेज इनके स्किल को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस विश्वकर्मा स्कीम या विश्वकर्मा योजना में भी हैंडलूम स्पिनर और बीबर्स की कोई बात नहीं की गई। मतलब इनको पूरी तरीके से क्या किया गया, नेगलेक्ट किया गया इस सेक्टर को। तो यहाँ पे यही राइटर अर्ज कर रहा है, एटलीस्ट आप क्या कर दो, रिस्टोर कर दो, रिस्टोरेशन ऑफ द खादी एज द ओनली फैब्रिक्स फॉर इंडियाज नेशनल प्राइड, जो हमारे देश का झंडा है उसको क्या करोगे, इससे बनाया जाएगा खादी की वस्तुओं से, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बना रहेगा और उसके साथ साथ जो हैंडलूम के वर्कर्स हैं उनके लिए भी काफी बेहतर रहेगा, जो रोजी रोटी उनके इसी चीज पे डिपेंड है, ठीक है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे आपका क्या है आर्टिकल है, वो है प्रोटेक्टिंग इंडियन कैपिटल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में आपने देखा ही है किस तरीके से तख्ता पलट हो गया, किस तरीके से सरकार यहाँ की गिर गई
और जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो भी पूरी तरीके से क्या हो गई, आपकी चली गई। आवामी लीग की जो गवर्नमेंट थी वो भी पूरी तरीके से आपकी गिर गई। लेकिन क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भारतीय कंपनियां थी, भारतीय कंपनियां हैं यहां से अब हटने के कगार पे है। ठीक है, हटने के कगार पे क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि यहां का जो आपका सिस्टम है पूरी तरीके से हट चुका है। क्यों? क्योंकि तख्ता यहां का पलट चुका है। यहां की कैपिटल जो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे लगी हुई थी, वो अब जा चुकी है। ठीक है, जाने के कगार पे आ चुकी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पे देखा जाए तो पूरी तरीके से जो नई सरकार बनी है उसका अलग ही आपका क्या चल रहा है, नया गवर्नमेंट है। ठीक है, नई गवर्नमेंट है। तो अब ये नई गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि क्या ये फिर से हमारे साथ वो रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएगी जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो ये दिक्कत बनी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनी जैसे एडिबल ऑयल हो गई, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, वो भी अब पूरी तरीके से लॉस में चल रही हैं। ठीक है, इंडियन कंपनीज कैन सीक लीगल प्रोटेक्शन। अगर देखा जाए तो अब जो भारतीय कंपनियां हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर तीन बेसिक चीजों पे ध्यान दें, अगर वहां का बांग्लादेश का लॉ ठीक हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट और लोकल कंपनियों के साथ हमारा अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन स्टेब्लिश होते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल लॉ है जैसे कि बिट्स यानी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे रिलेशन को बेहतर कर सकती हैं। कैपिटल जो फंडिंग हुई है इतना वो सब बच सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटा इंडिया बीइंग वन ऑफ द 20 कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आपका आता है, जो कि बड़े लेवल पे हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और आपका यहाँ की जो कंपनियां हैं वो व्यापार करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हर तरीके से अवेलेबल है। NIRF की रैंकिंग वगैरह भी आपने देखा है, जारी किया गया, कौन कौन से कॉलेजेस बेहतर हैं अपने यहाँ पे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या जो रैंकिंग दी जाती है उसको पाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ निकल के सामने आ रही है। जो 2024 की रैंकिंग ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, सो इंटरेस्टिंग ट्रेंड अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज कंपेयर टू 23। ठीक है, 2023 की जो रैंकिंग थी, 2024 की रैंकिंग में काफी अंतर आया है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने काफी गलत परफॉर्म किया है, उनकी रैंकिंग डाउन हुई है, तो उसका भी रीजन आपका देखा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या है, तो वही यहाँ पे बात की गई है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी रैंकिंग वगैरह भी बेहतर हुई है, जबकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि IISER है, NITs हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, इनका थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। और डेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेज क्वेश्चन अबाउट द पॉसिबल मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च मैट्रिक्स, जिसमें से 29 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं विद चेंज रैंकिंग, जिनकी रैंकिंग चेंज हुई है, उनमें से 76% ने अपना परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव किया है, जबकि देखा जाए पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक जो आपकी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, 61% ऑफ द 70 पब्लिक यूनिवर्सिटीज विद चेंज रैंकिंग हैव डिक्लाइंड, यानी अच्छा परफॉर्म आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही कर रही हैं। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, उनका क्या हाल है वो देखते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सेल्ड इन रिसर्च मैट्रिक्स, यानी इन्होंने रिसर्च में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पब्लिकेशन और साइटेशन से काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैव स्ट्रगल्ड, काफ़ी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं किसमें, अपने रिसर्च वगैरह में देखा जाए तो ये क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान में दे रहे हैं, क्वालिटी को कम, उसकी वजह से इनकी रैंकिंग वगैरह भी बिगड़ रही है। तो देयर इज अ ट्रबलिंग ट्रेंड वेयर यूनिवर्सिटीज माइट बी फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, क्या जो आज के समय जो ट्रेंड चल रहा है क्वांटिटी पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू क्वालिटी, तो इसी सब चीजों को बेहतर करने के लिए क्या हो, विच कुड हार्म इंडिया साइंटिफिक रिसर्च लैंडस्केप इन द लॉन्ग टर्म। एक तरीके से हमें देखा जाए तो जब क्वांटिटी पे ज्यादा काम करो, क्वालिटी नहीं रहेगी, तो एक तरीके से नुकसान ही होगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा मैटर करता है, तो इन्हीं सब चीजों पर इसको फोकस किया गया है और इसमें बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, द ट्रेनी ऑफ इनी क्वालिटी,
बड़े लेवल पे इसके देखिए कई सारे आपके एडिटोरियल्स आर्टिकल्स वगैरह आ गए हैं और फिर उसी के बारे में बात हो रही है। तो देखा जाए तो क्या है यहाँ पे, GWP गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे हुआ है फॉर इंडिया एंड CMII कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे हुए हैं, ठीक है। तो इस पे बात किया जा रहा है क्या इनइक्वालिटी को लेकर। थॉमस पिकेटी स्टडी हाईलाइट करता है कि इंडियाज एस्केलेटिंग वेल्थ एंड इनकम इक्वालिटी विद द टॉप 1% कंट्रोलिंग ओवर 40% ऑफ द वेल्थ, ठीक है। यानी जो टॉप 1% है अपने देश में वो पूरे देश का 40% वेल्थ अपने पास रखे हैं 2022 के डेटा के अनुसार, जबकि 1980 में सिर्फ और सिर्फ 12 12.5% ही था। यानी सोचो कितना, लगभग 3-4 गुना बढ़ गया है इन पिछले 40 सालों। तो हायर इनकम इक्वालिटी इज लिंक्ड टू मोर वाइड स्प्रेड करप्शन पार्टिकुलर इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर रिच इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफिशियल थ्रू ब्राइब्स। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हायर इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो देखने को मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं करप्शन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो देखा जाए तो जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बड़े बड़े आज के समय आप देखे रहे ना, पुल बनता है टूट जाती है, सड़कें बनती टूट जाते हैं, जो कि एक करप्शन का बहुत बड़ा यहाँ पे सूचक है, ठीक है। यानी पैसे खूब ढेर सारे यहाँ पे सरकार अलॉट कर दी लेकिन उतना पैसा लगाए ही नहीं गए, लगाए भी गए तो जो सामान यूज हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वो काफी लो ग्रेडेड के क्वालिटी के रही, जिसकी वजह से वो चीजें फाइनली लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाई, ठीक है। और ब्राइब वगैरह रिश्वतखोरी तो यहाँ पे देखोगे हर एक चीज में हमारे यहाँ दी जाती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स को रिश्वत देके टेंडर पास करवा लेना, ये सब सारी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल पे चल रहा है। आप देखते हैं ना छोटे छोटे ऑफिसर्स के घर पे रेड पड़ती है तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है, आपका करप्शन, ठीक है। करप्शन हैज राइजन ग्लोबली विद द रिसोर्स वैल्यू इंक्रीज एंड रेगुलेटरी एजेंसीज बिकमिंग मोर सब सर्वियन टू द बिजनेस इंटरेस्ट। बड़े लेवल पे देखा जा रहा है रेंट सीकिंग बिहेवियर डिफाइंड एज यूजिंग रिसोर्स टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिक एजेंसीज विदाउट क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, ये काफी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करती है। वाइल सेविंग इन फिक्स डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस अगर यहाँ पे ज्यादा होंगी तो करप्शन वगैरह थोड़ा कम देखने को मिलता है। ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी ड्राइवन बाय द कन्विक्शन रेट्स, ये भी काफी हेल्प करता है करप्शन को कम करने में। इंडियन बजट देखा जाए तो इस बार कोई बात नहीं की गई अपॉर्चुनिटी टू टैक्स द रिच एट हायर रेट, मतलब होता नहीं कि जिसके पास जितने ज्यादा पैसे उतना ही उनसे टैक्स लेना चाहिए, तो यहाँ पे इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई। तो क्या कहता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रेगुलेटरी एजेंसीज आर स्टिल लैकिंग, ठीक है। तो अगर एक कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना है, एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस को रन करना है, तो इन सब चीजों को ऊपर ध्यान देना होगा, नहीं तो चीजें दिक्कत करेंगी, ठीक है। बाकी इसको भी आप जरूर पढ़िएगा, चेंज इन द इंडियाज पावर एक्सपोर्ट रूल वगैरह, आपका जो बदल रहा है बदलने वाला है, इन सब पे एक अच्छा आर्टिकल आया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लीन गंगा मिशन हेड फ्लैग स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो क्लीन गंगा मिशन जो आपके गंगा को साफ करने के लिए जो पैसे सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट बनाया गया था, आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो यहाँ पे सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। 37,000 करोड़ 2015 में यहाँ पे अलॉट किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे नमामि गंगा मिशन के लिए, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ 18,000 करोड़ ही यूज हो पाए हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे काम करने के इतना ढीलापन है। सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ आपके अलॉट किए गए हैं, वो भी आज तक यूज नहीं हो पाएगा। अथॉरिटीज फ्रॉम वेरियस स्टेट स्पेशली उत्तर प्रदेश विद द बल्क ऑफ प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट यहीं पे ही है, गंगा भी सबसे ज्यादा यहीं पे देखिए गुजरती है, ये भी पूरी तरीके से क्वेश्चन के दायरे में है। बर क्वेश्चन अबाउट द लो एक्सपेंडिचर, तो यहाँ के जो क्या हैं जो आपके ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि हमें पैसा देरी से मिलता है, इसकी वजह से हम नहीं परफॉर्म कर पाते, देर हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। एटलीस्ट जितना सरकार पैसा खर्च कर रही है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना होगा, जिससे कि गंगा को साफ करने का जो प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, उसको पूरा किया जा सके। देखा जाए तो देखो कितनी गंदगी वगैरह आपके गंगा में, सारे नाले सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह सब जाते हैं, तो इसको दूर करने के लिए मिशन बनाया गया है, अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से इसकी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो इसको भी सरकार को ध्यान देना होगा और उस पर अमल करनी होगी।
बाकी चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाले सेशंस के लिए। कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए और एग्जाम आपके करीब हैं उसको भी पूरा क्रैक करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।